आदिब दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सो देखिए, मैं फिर से कल वाला ड्रेस पहन के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि कल एक टेस्ट रह गया था जो खाली पेट करवाना था, और सुबह 8 बजे मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ वो टेस्ट करवाना है। ये पेट मेरा इतना निकला है ना, गुस्सा लगता है, पता नहीं कैसे अंदर जाएगा। इतना मेहनत करती हूँ तभी नहीं जाता, और जो कि बाहर का मैं कुछ खाती पीती भी नहीं उठता, पहले खाती थी अब तो नहीं खाती, जो भी घर में बनाती हूँ वही खाती हूँ। और कभी कदा जब पहले खाती थी तो आप लोग को दिखाता था, रोज़ रेगुलर वो भी नहीं, और वो भी लाती थी बच्चों के साथ खाती थी सब मिल के। तो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे थायराइड की जांच का टेस्ट करवानी है, तो उसका टेस्ट करवा कर फिर घर आती हूँ। क्या दिखाऊँगा आपको, वही हॉस्पिटल वही घर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, टेस्ट करवा के आती हूँ। मेरी बिटिया भी सोई है, अभी वो सोई रहेगी, जब तक हम लोग आ भी जाएंगे तब भी वो सोई रहेगी, इसलिए उसको सोने देते हैं और हम लोग चलते हैं टेस्ट करवा के, फटाफट से आ जाते हैं। सो गाइस, टेस्ट हो गया, जाने का। कल जाऊँगी तो रिपोर्ट मिलेगा, कल आऊँगी तो रिपोर्ट ले जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अब फटाफट से। गाइस, तो हम हॉस्पिटल से आ गए हैं और खाना बना रहे हैं। आप करो पहले, खाना बना रहे हैं। आज खाने बना रहे हैं चने दाल, चना का दाल, लौकी रोटी। आप देखिए, मैंने लौकी के मसाले अच्छे से पस रही हूँ, और यहाँ चने के दाल में 2 से 3 सीटी लगा लिया है, फिर से डाल के 1-2 सीटी और लगाऊँगी, और तब मेरा पूरा दाल बन के तैयार हो जाएगा। आज मन किया लौकी बनाती हूँ सब्ज़ी, तो सीखा कि चने के दाल में डाल के बनाऊँ और क्या अच्छा लगता है, तो यही बैठ के बना रही हूँ। मेरी बेटिया बाहर नहा रही है। हाँ चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। चावल वावल धुल डाल धुल के रख लिया मैंने, दाल यहाँ दाल मेरा कंप्लीट हो जाएगा लौकी वाला, और फिर मैं चावल डाल दूँगी। चलिए फटाफट बनाते हैं, बाबू को भी आने का टाइम हो रहा, 12:45 बजे, आधे घंटे में वो आ जाएगा, ऑलमोस्ट आधे घंटे में मेरा खाना ही बन जाएगा। तो चलिए, देर है तो चलिए फटाफट से खाना वाना बना लेती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो उस टाइम खाना वाना बना कर उसके बाद मैं खा कर सो गई थी, कि दवाई खाया था और इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि दिमाग ख़राब हो रहा था, एकदम लग रहा था कुछ आगे पीछे दिख नहीं रहा था, बस सोना दिख रहा था। तो मैं सॉरी गाइस, जमाई आ रही है, मुझे देख के आप लोग को भी आ जा रही होगी, जमाई बहुत बुरी चीज़ होती है, एक को देखो तो दूसरे को भी आ जाती है, दूसरा कोई देखा तो उससे भी आ जाएगी। तो वही सो गई थी, अभी सो के उठी हूँ, आवाज़ मेरा काफ़ी भारी हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। आ गया मेरा माइक, ये रहा, आवाज़ काफ़ी भारी हो गया है, नींद अभी भी नींद आ रही है, मन कर सो जाऊँ बट नहीं, 6 बज रहा, अब क्या सुनूंगी, अभी सुनूँ तो रात क्या सुनूंगी। मेरा हड्डी डी इतना दर्द हो रहा था, आज गई थी तो एक जो थायराइड वाली जांच उन्होंने लिखा था वो बाकी था, तो वो भी हो गया, और फिर अब कल रिपोर्ट लूँगी जाकर। रोज़ के रोज़ हॉस्पिटल जाना है ना, बोर हो जा रही हूँ, उब जा रही हूँ, कब सारा सॉरी गाइस, कब एकदम छुट्टी मिलेगी, कल जाऊंगी तो फिर फिटनेस लिख के देंगे, क्या लिखेंगे वो लोग भी, कब का डेट देंगे नहीं देंगे, सोच रही हूँ इसी हफ्ते में हो जाए, बट पता नहीं कितना झेलाएंगे डॉक्टर, सोच रही हूँ, देखिए क्या होता है। अब कल जाऊंगी तो डॉक्टर फिटनेस वगैरह लिख के देंगे, तो फिर डॉक्टर कब का डेट देते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कर दे जल्दी से, कि मैं रक्षाबंधन के पहले खाली हो जाऊँ, मुझे रक्षाबंधन में जाना है,
राखी बांधने जाऊंगी ना मैं। अगर मैं नहीं भी जा पाई तो राखी तो बांध भेज ही दूंगी, राखी तो भेजना पड़ेगा ही ना। तो चलिए अभी होके उठी हो, कुछ बिस्किट और खा के कितना जबाई आ रहा, गुस्सा आ रहा मुझे, कुछ बिस्किट खा के पानी वानी पीती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। और सुबह वो चने का दाल बनाया था जो मैंने लौकी डाल के, बहुत टेस्टी बना था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था वो, है अभी कुछ बनाना नहीं है, उसी से हम चलेगा। बीमार हूँ 10 बार क्या करूँगी, लेटते बैठते ही दिन जा रही हूँ मेरा, हम नीचे लेटूँगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बैठने का, मन नहीं कर रहा डोरा कम। चलिए हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। हे गाइस, तो देखिए मैंने शाम को 1.5 बार तेल लगा लिया था, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए तेल लगा के पूरा चुपड़ी चुपड़ी बन गई हूँ मैं। और बाबू लोगों ने खाना खा लिया, सो रहा है, उन्होंने भी खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, मैं नहा कर आ रही हूँ अब, चल रही मैं भी सोने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को इसके साथ यहीं एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बस रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए कल चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल नए मॉर्निंग, नए शुरुआत के साथ। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय बाय।